Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हमको पॉसिबली हमारे जो मिस्टर मनी इन द बैंक ऑस्टिन थ्योरी गाइस, क्या वो हमको पॉसिबली WWE के क्लैश एट द कासल 2022 के प्रीमियम लाइव इवेंट में उनकी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैशिंग करते हुए देख सकते हैं और क्या वो हमको पॉसिबली बनते हुए देख सकते हैं द न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। सो गाइस, पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखें कि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप ऑस्टिन थ्योरी और WWE के बड़े वाले फैन हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। आपको तो पता ही होगा कि जो ऑस्टिन थ्योरी है गाइस, वो अभी फिलहाल WWE के मिस्टर मनी इन द बैंक है के विनर है। अगर उन्होंने बहुत बार टीज किया कि वो हमको कभी भी कैशिंग करते हुए देख सकते हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के ऊपर। और जो रोमन रेंस की नेक्स्ट अपीयरेंस होने वाली है वो होने वाली है क्लैश एट द कासल 2022 के प्रीमियम लाइव इवेंट में, तभी वो ड्रू मैकइंटायर के अगेंस्ट उनकी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखने वाले। तो क्या पॉसिबल है हमको ये मैच में ऑस्टिन थ्योरी कैशिंग करते हुए देख सकते हैं? मुझे एक चीज तो ऐसी लग रही है कि ऑस्टिन थ्योरी कभी भी कैशिंग करेगा मोस्ट प्रोबेबली उनकी जो कैशिंग है गाइस वो फेल्ड ही होने वाली है। क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी अगर इतने बड़े स्टार है नहीं कि जो गाइस WWE चैंपियन बन सकते हैं, और जो गाइस अभी फिलहाल जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का लेवल है गाइस वो अभी बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है गाइस उसमें दोनों ही WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, और ये चैंपियनशिप गाइस एक बड़ा टॉप स्टार ही होल्ड करते हुए दिखने वाला है। जैसे कि ऑस्टिन थ्योरी का इतना लेवल है नहीं कि वो एक साथ दोनों टाइटल्स होल्ड करे। अगर ऑस्टिन थ्योरी एक बार WWE चैंपियनशिप यूनिवर्सल चैंपियनशिप एक ही बार ऐसा होल्ड कर सकते हैं, ऑस्टिन थ्योरी दोनों चैंपियनशिप रख ही नहीं सकते एक साथ, क्योंकि वो इतने बड़े स्टार है ही नहीं और बहुत ही ओवरपोस्ट हो जाएगा ऑस्टिन थ्योरी अगर वो दोनों चैंपियनशिप्स के साथ निकलते। इसलिए अगर ऑस्टिन थ्योरी कैशिंग करते तो मोस्ट प्रॉबली वो इधर हमको WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ ही निकलते हुए दिखने वाले। और कॉन्ट्रैक्ट में भी यही लिखा कि ऑस्टिन थ्योरी कोई भी वर्ल्ड टाइटल के ऊपर कैशिंग करते हुए दिख सकते हैं और चैंपियन बने। ऑस्टिन थ्योरी अगर क्लैश एट द कासल में कैशिंग करते तो पॉसिबली वो WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतते हुए देख सकते, क्योंकि WWE का भी प्लान चल रहा है कि वो दोनों टाइटल्स को स्प्लिट करते हुए देखें। पॉसिबली गाइस जो कि हमारी WWE गाइस वो ऑस्टिन थ्योरी से कैशिंग कराते हुए देख सकती है क्लैश एट द कासल 22 प्रीमियम लाइव इवेंट में। और गाइस, अगर जर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिलें।